सो हाय गाइस, वी आर बैक हियर अगेन इन स्टूडियो। आज के स्टूडियो में हम लोग अनबॉक्स करने जा रहे हैं गिजगा की तरफ से आने वाला 5-in-1 यूएसबी हब। सो आज के स्टूडियो में हम लोग इसे अनबॉक्स करेंगे। मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन और रिव्यू दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले इसकी बॉक्स की पैकेजिंग को ओपन कर लेते हैं। सो गाइस, बॉक्स की पैकेजिंग को ओपन कर लेने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर हमारा हब देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, उसे हम साइड में रख देते हैं। सो गाइस, आप बात कर लेते हैं हमारे इस हब की। तो यहाँ पर आपको इसके कुछ फंक्शन देखने को मिल जाएंगे। ये हब आपके सारे SD कार्ड और फ्लैश ड्राइव्स वगैरह सपोर्ट कर देता है। इसमें आपको मल्टी सिस्टम कंपैटिबिलिटी देखने को मिल जाएगी। ये विंडोज, मैक और एंड्रॉयड के साथ वर्क कर लेता है। ये 1 TB तक की स्टोरेज डिवाइसेस को रीड कर सकता है। यहाँ पर आपको प्लग एंड प्ले फीचर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 3 USB पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं और आप इसे OTG के साथ अपने टैबलेट या फिर मोबाइल के साथ यूज कर सकते हो। सो अब हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो बॉक्स ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का पेपर मिल जाएगा। इसे हम कुछ देर के लिए साइड में रख देते हैं। यहाँ पर आपको हमारा USB हब देखने को मिल जाएगा। सो बात कर लेते हैं हमारे हब की। तो ऊपर की तरफ आपको गिजगा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 3 USB 3.0 पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको 480 MBPS की स्पीड दे देते हैं। यहाँ पर हमें 2 SD कार्ड स्लॉट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें 1 SD कार्ड स्लॉट और नीचे की तरफ एक micro SD कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक LED इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। ये आपके सारे OS पर चल जाता है, जैसे कि विंडोज, मैक, लाइनिक्स और एंड्रॉयड के साथ भी है, कंपैटिबल है। सो अब हम इसे हमारे टैबलेट के साथ कनेक्ट करके देख लेते हैं। सो गाइस, अब हम हमारे इस हब को हमारे टैबलेट में लगाकर चेक कर लेंगे। सो गाइस, आपको हब को अपने टैबलेट में लगाने के लिए कुछ इस तरीके का एक OTG अडाप्टर लगने वाला है। तो सबसे पहले आपको आपका हब इस OTG अडाप्टर में लगा देना है। उसके बाद आपको आपके सारे डिवाइसेस के जो डोंगल्स होते हैं वो इसमें इंसर्ट कर देने हैं। सो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके सारे डिवाइसेस के डोंगल्स या फिर आपके सारे डिवाइसेस इस पोर्ट में प्लग कर देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ब्लू लाइट इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब आपका जो हब है वो टैबलेट के साथ कनेक्ट हो चुका है। सो गाइस, यहाँ पर हमने हमारे दोनों USB डोंगल्स हमारे हब में लगा दिए हैं। आप चाहे तो वायर्ड कीबोर्ड माउस लगा सकते हो। सो यहाँ पर हमने कीबोर्ड यूज़ किया है जेब्रोनिक्स का जेप कंपैशन 102 और यहाँ पर हमने माउस यूज़ किया है जेब्रोनिक्स का जेप डैश। इनकी वीडियो भी हमारे चैनल पे है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो वो भी देख लेना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें माउस की, तो माउस भी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है। सो बात कर लेते हैं हमारे कीबोर्ड की। सो कीबोर्ड भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यह कुछ इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप कई से डिवाइसेस एक साथ लगा सकते हो। आप यहाँ पर
तीन यूएसबी डिवाइसेस एक साथ लगा सकते हो। यहाँ पर आप एक एसडी कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड भी सो गाइस, अब हम यहाँ पर सैंडिस्क का 4GB का एसडी कार्ड यहाँ पर हमारे हब में यूज करने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने हमारा जो एसडी कार्ड है वो हमारे हब में इंसर्ट कर दिया है। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, आपको ये एसडी कार्ड यूएसबी स्टोरेज 1 के नाम से दिखाई दे रहा है। सो जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं, आप आपके एसडी कार्ड में से सारे फाइल्स एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि हमें इसके बॉक्स पे मेंशन था, ये 1 TB तक के स्टोरेज डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं हम इस एसडी कार्ड से। सो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।